नहीं, जो कारोबारी लोग हैं वो पाकिस्तान में जो मॉरिशस कर रहे हैं, और आप लोग के साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, और साथ साथ ये भी बता दें कि आप ने कोर्स में क्यों नहीं गए दूसरी बात, और ये भी बताएं कि क्या ये आप समझते हैं मीडिया के ऊपर शख्स मारा जा रहा है, पहले एक असासक पार्ट के ऊपर मैं मानता हूं आप खड़े रहे कि मेरा कैमरा नहीं इधर आ रहा है। मैं आपको जरा इसका जवाब देता हूं, चलिए ठीक है, वो केबल लगी लाइव आ रहा क्यों ऐसा है। जब ये सारे वहां पे पहुंचे तो मैं वहां पे पहुंच गया, मैं अपनी लीगल टीम के साथ जाके स्टे ऑर्डर लेके चला गया। मैंने जरा मोहतरम आप किधर आए जी, हमने जी ये पॉज करानी है, क्यों करानी है जी, हमें जी पीछे से ऑर्डर किसके ऑर्डर है जी, जमशेद साहब खड़े हैं आरडीएस से जी, इनके मैं उनके बच्चे नाम मोहतरम बताएं कि जी मैं नहीं हूं जी, यहाँ पे सीओ साहब खड़े हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उनसे बात करें, उनसे बॉल करें जी, मैं भी नहीं हूं जी, यहाँ पे एसी सदर साहब खड़े उनसे बात करें, उनसे पूछा क्या मैं भी नहीं हूं जी, एसपी साहब खड़े उनसे बात करें, उनका जी मैं भी नहीं हूं। जब चारों से पूछा उनको जी हमें तो पीछे से ऑर्डर मिला है, पीछे से किसने ऑर्डर दिया जी, अब बारह से ऑर्डर आया, हमें किसने ऑर्डर दिया, ट्रिपल वन ब्रिगेड ने हमें ऑर्डर किया। और मैंने अगले दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से की थी लाइव सुनो के ऊपर, मैंने बड़ा क्लियरली ये बताया कि जिनका ये नाम ले रहे थे उनके फरिश्तों को भी नहीं पता, सिर्फ उनके कंधों पे रख के चला रहे, यार मुझे बताएं पाक आर्मी का क्या लेना देना जमीन से प्रॉपर्टी से इन चीजों से, उन्होंने इनको बोला आप जाके ये काम करें। नंबर वन। नंबर टू आपका सवाल क्या था भैया, आपका सवाल आपने पूछा जी हमारा जरीब थोड़ा सा मेहरबानी, थैंक यू, चीती को चीती के कैमरा नहीं मान रहा, हमारे अदारे के साथ जुड़े हुए किसी भी शोबे का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, आइडियल रिलेशनशिप है, इसीलिए तो हैरानगी थी कि ये यलगार क्यों की जा रही, जिस तरह नई मजाज साहब ने फरमाया ये एक मिसकंसेप्शन क्रिएट की जा रही है किसी एजेंडे के तहत, पिछले दौर के बैठे हुए अफसरान, पिछले दौर के लोगों के अंडर द टेबल अकोमोडेशन थे, पाक फौज को और आवाम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बदली पैदा कर रहे हैं, ये पिछली पूरी हुकूमत ये काम करती रही और उसका नतीजा आपने 9 मई को देख लिया है, जो आज तक उन कुर्सियों पर बैठे हैं रावलपिंडी के कमिश्नर साहब, इनकी आप हिस्ट्री निकाल लें, इनके एसेट बियॉन्ड बीन्स में इनकी कैलकुलेशन निकाल लें तो आपको अरबों खरबों की जायदादें मिलेंगी, इनके लाहौर के एक डेवलपर से ताल्लुकात हैं, सिर्फ वो अप्रूव्ड और बाकी सब इलीगल है इनकी नजर में, और यही स्टोरी आपको रावलपिंडी पुलिस के एक दो सीनियर अफसरान में मिलेंगी, जाती मुरासम है उनके डेवलपर्स के साथ, उनके घर गाड़ियां खड़ी की हैं, मुझे पता ये गुफ्तगू करने के बाद हमारा क्या अशर किया जाएगा, लेकिन रियलिटी है आप पूछ रहे हैं। आर्मी चीफ साहब ये खुदारा इनको लगाम डालें, ये जानबूझ के अदारों के आगे आवाम को खड़ा कर रहे हैं, अगर ये मामला इस तरह चलता रहा तो किसी दुश्मन को जरूरत नहीं है इस मुल्क में हमला करने की, हमें हुक्म करें हम सब कुछ वैसे ही छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, या आपके अदारों के हवाले कर देते हैं या इनके हवाले कर देते हैं। मेरा कहने का मकसद ये था कि ये माशी इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, इस किस्म का ऑपरेशन क्या हुकूमत के खिलाफ साजिश समझते हैं, मुल्क के खिलाफ, ये सियासी रकावत है, कारोबारी रकावत है या कुछ और, और मासूम सवाल है आपकी इन्वेस्टमेंट भी आवाम की इन्वेस्टमेंट दे दी वैसे में आवाम को क्या इन्वेस्टर को पहले पहले तो जी आपके मासूम सवाल का सवाल का जवाब दे लूं और फिर इनके एजेंडे की बात करूं। आपके मासूम सवाल का ये जवाब है कि अवाम की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट, मैं सर अर्ज सुन लीजिएगा, अवाम की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट महफूज है जमीन की सूरत में, वहां जमीन मौजूद है। एक मिनट सर प्लीज, अनवर साहब प्लीज, मेरे भाई मैं जवाब दूंगा आपको, डोंट वरी। अच्छा, जो अवाम के अरबों रुपए की आप बात कर रहे हैं वो जमीन की सूरत में सब महफूज है ना, हमारी तो हमने तो जितनी डिलीवरी देनी है उससे 5 गुना ज्यादा जमीन है हमारे पास, हमने छोड़ के कहां जाना है, हमारे तो पिछले 3 साल इन्होंने वो एसेट्स जो मेरे वालदैन ने मेरे पैदा होने पर मेरे नाम लगाए थे वो भी इन्होंने फ्रीज कर दिए और आज की डेट तक वो फ्रोजन है। हम तो इस मुल्क से ना जाने का सोच सकते हैं, ना गए हैं कहीं और काम कर रहे हैं, सारी जमीन हमारी यहाँ पे मौजूद है, 2-2.5 लाख केनाल कौन छोड़ के जाता मेरे भाई, और अगर पब्लिक का वो पैसा है तो वो तो आज डबल ट्रिपल और 10 गुना हो गया, वो तो सब कुछ वहां पे मौके पे मौजूद है। और बंजर जमीन के ऊपर हम एक शहर बात कर रहे हैं, दुबई सहरा में अगर
उसने एक शहर बना दिया और पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट खींच ली। मुझे तो ये समझ नहीं आती रियल एस्टेट से इनको नफरत किया। फिर आपने अगला सवाल किया, देखें दो बातें हैं जो रियलिटी है वो हमें एक्नॉलेज करनी पाएंगे। रियल एस्टेट डेवलपर्स के रूप में काली भेड़े भी मौजूद है, ठीक है, जो पब्लिक का पैसा खा जाते हैं, डिलीवरी नहीं देते। लेकिन आपको अदारा खड़ा करें ना, दुबई के रेरा की तरह का अदारा खड़ा करें जो डिस्टिंग्विश करे कि कौन डिलीवर करने वाला है, किसके पास जमीन है, किसकी इंटेंट क्लियर है, किसकी कैपेबिलिटी है, किसके पास स्टाफ मौजूद है, किसके पास इंजीनियरिंग है, इक्विपमेंट है, और वो डिलीवर कर रहा है मौके पे। हमें तो ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 5 साल से और हम सिर्फ डिलीवर किए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं जो आपका सवाल था कि एजेंडा क्या है, एजेंडा मेरे भाई मैंने बताया कि चंद अफसरान पिछली हुकूमत के उन लोगों पे जो भाग गए या जिन्होंने अंडर द टेबल सेटलमेंट स्कीम है, वो कोशिश कर रहे हैं अदारों को आवाम से लड़वाने की, और इसमें बाहर की फोर्सेस शामिल हैं और कोई एजेंडा नहीं। आप मीडिया के जरिए बात कर रहे हैं, क्या आप ये मुनासिब नहीं समझते क्या बराए सब मिलके उनसे रिक्वेस्ट करके बराए रास्त मुलाकात करें ताकि जो पब्लिक मरी बाद में उसकी सेफ्टी। जी हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं सबसे मुलाकातों की। ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की थी क्योंकि इन्होंने हंगामी तौर पे एक मिशन शुरू किया हुआ था डेमोलिशन का। इस वजह से हमने कहा हम पब्लिक को तो बताएं ना, जिस वक्त ऑपरेशंस होते हैं पब्लिक अनरेस्ट में चली जाती, तो सबसे पहले हमने पब्लिक को ये बताने का एहतमाम किया कि हम यहीं पे हैं, सारी जमीन यहीं पे, और हम काम करना चाह रहे हैं। खुदारा इलीगल हमें किस बात पे आप कह रहे हैं, अप्रूवल आप खुद नहीं देते जो आपने फरमाया, और वो आप मेरे से मेरे भाई बेहतर जानते हैं महकमो में क्या होता है, मेरा मुंह ना खुलवाए, सब जानते हैं क्या होता है। जी जी आपने सारे बिग गन्स का नाम लिए हैं, जी जी आपने कहीं पे भी पंजाब के मुजरिमाना का नाम लिया जिनके नाम ही लिया जिनके अंदर ये सारी फोर्सेस हैं, ये उसके अंदर आते हैं उनका नाम। एक सवाल सवाल आपके साथ ये जी 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 मैं इनको बोलने का मौका दूंगा, ये अपना किरदार अदा करने आए हैं। मैं जी मोहसिन नकवी साहब वाली बात का जवाब दे दूं, ये करेंगे। मोहसिन नकवी साहब मोहतरम आदमी हैं और वो अपने तौर पे, मैंने लाहौर में उनकी प्रोग्रेस देखी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट कुछ हिस्सों में अपने तौर पे ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि अगर तो डेडिकेटेड लोग चंद शोबों पे बैठ जाएं तो काम हो भी सकता है, इसलिए मैं उनके बारे में नेगेटिव गुफ्तगू नहीं करना चाहूंगा। उनको भी मिसलीड किया जा रहा है, मैंने अर्ज किया कि अदारों को और अवाम को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और चंद काली भेड़े जो ब्यूरोक्रेसी में या पुलिस डिपार्टमेंट में बैठी हुई है या इन अदारों में बैठी हुई है वो ये काम कर रही है। आप रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसकी प्रोग्रेस ले ना कि पिछले 5-7 सालों में आपने कितनी स्कीमें अप्रूव की हैं। हम कह रहे हैं कि 2 लाख किनाल वहां जमीन है तो हमारे पास 500 किनाल भी ऐसी नहीं है जो इनके मैार पे पूरी उतरती है, और हमें 500 किनाल की अप्रूवल ही दे दें अगर ये देने वाले बने। बाकी जवाब आप एजाज साहब देंगे। गरीब थोड़ा सा मेहरबानी सामने दे के बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मुसर्रत एजाज खान है, मैं चेयरमैन हूँ फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के 10 लाख रियल इस्टेट एजेंट हमसे मुंसलिक हैं जिनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। दोस्तों, ब्लू वर्ल्ड सिटी कोई 6-8 महीने पहले नहीं बना, 5 साल पहले बना था। हमने इब्तदाई NOC देकर पूरे पाकिस्तान की रियल इस्टेट कम्यूनिटी खैबर से कराची तक इनके साथ जुड़ी,
अपने क्लाइंट ओवरसीज पाकिस्तानी, और चूंकि यहाँ पर उस वक्त जो प्लाट लिए जा रहे थे वो हजारों में लिए जा रहे थे, लिहाजा वो लोग जो इंतहाई मुतवस्सित तबके के लोग थे उन्होंने घर का ख्वाब देखकर उन हजारों लोगों से यहाँ प्लाट खरीदे और हम इस चीज में इन्वॉल्व हुए और ये चीज आगे बढ़ती चली गई। सो ब्लू वर्ल्ड सिटी ये नहीं है कि आज से तीन महीने पहले जमीन से निकली और आज तीन महीने के अंदर हुकूमत ने एक्शन लिया और आकर यहाँ चढ़ाई कर दी। मैं आपसे गुजारिश करूँ, एक बड़ा अजीब इस मुल्क का कानून है, आप कानूनी तकाजे पूरे करके कोई काम करना चाहें आपके लिए वो काम करना मुश्किल नहीं नामुमकिन बना दिया जाता है। आप बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर एक बर्मा टाउन जैसे या फतेह जंग में जो कोई भी शख्स कोई गैर कानूनी जगह बनाता है 15 फुट की गली 10 फुट की गली टेढ़ी गली अजाब जिंदगी, वहां लोग घर भी बना लेते हैं रहना भी शुरू कर देते हैं, कोई किसी से नहीं पूछता कि यार ये तुमने पहले 100 कनाल में गैर कानूनी बस्ती बनाई फिर 100। बर्मा टाउन गैर कानूनी तौर पर 50 कनाल से शुरू होकर कई हजार कनाल बिक के लोग पैसे लेकर निकल गए, आज तक किसी ने नहीं पूछा भाई तुमने कोई एनओसी दिया। इश्यू सिर्फ इतना है जो शख्स इस मुल्क में कायदे कानून के मुताबिक काम करना चाहता है, जो लोग हैं उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हर पैसा जो इनके अकाउंट में आता है वो हमारे अकाउंट में चला जाए, चाहे डेवलपमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं आपसे गुजारिश करूं 1,30,00,000 घरों की कमी है पाकिस्तान में, अगर ये प्राइवेट बिल्डर्स ना होते तो यकीन रखें आपको और मुझको रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2,00,000 रुपए किराए पे 5 मरले का घर ना मिलता, आज भी घर बहुत ज्यादा हैं। शहर से निकलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अगर शहर में आबादी बहुत हो जाए तो फासला देकर एक शहर आबाद करें, निजाम ठीक चलेगा। आप ये देखें जो डेवलप एरिया ना सर उसमें क्या जुल्म है, सीडीए के 300-300 फुट के बरसाती नाले थे 50 फुट के रह गए, नालों के ऊपर उन्होंने प्लांट बना दिए, नालों के ऊपर कच्ची बस्तियां बन गई, नालों के ऊपर क्रिस्टल कॉलोनी बन गई, क्यों? क्योंकि ये डेवलपमेंट करने को तैयार नहीं है। अगर सरकारी इदारे बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट करते प्राइवेट बिल्डर्स को कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन काम तो करते ना। अगर हुकूमत खुद काम आपके लिए मेरे लिए करने को तैयार नहीं और जो डेवलपर काम करने को तैयार है उसको तबाह बर्बादी का शिकार कर रहे हैं, यकीन करें ये किसी तरह भी मुहब्बे वतन मामला तो कतई तौर पर नहीं है। सब दोस्त जो आपका सवाल है ना डिलीवरी कैसे देंगे लीगली अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलती, इसका मैं जवाब सबको दे दूं और अपने कस्टमर्स को देना चाहूंगा, एक लीगल पॉइंट है, उसके बाद नहीं मैं जा साहब आपको एक दूसरी बात बताएंगे। आपने कहा कि जी आपको एनओसी नहीं मिलता तो डिलीवरी कैसे देंगे, हमारे पास जमीन मौजूद है, ठीक है जी, जितने हमारे कस्टमर है डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर हमारे पास मौजूद है और हमने अलहमदुल्ला 25,000 से 30,000 कनाल एक्टिवली डेवलप कर दी जिसकी 70-80% मुकम्मल हो चुकी डेवलपमेंट और बाकी 2,00,000 कनाल पे काम हो रहा है इस वक्त। हम लोगों को उनकी खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री करा देंगे और सर्विसेज अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में जारी रखेंगे, इसको कोई पाकिस्तान का कानून इस अमल को नहीं रोक सकता। जनाब मोहतरम मैं आपको उसका जवाब देता हूं, जो आपने कहा कि ये नो गो एरिया बना हुआ था ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बात है आज से 2 साल पुरानी, अभी की नहीं है। आप देख सकते हैं मौके के ऊपर जितनी भी हमारी सराउंडिंग में सोसाइटीज थी वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर मर्ज हो चुकी है।
जो मर्च हुई है वो कुछ छोटी मोटी नहीं थी, 10-10, 15-15 हजार कनाल थी, असद राज से बैठी थी, हमने चारों तरफ से लैंड ले ली, उनके साथ हमारे छोटे मोटे लिटिगेशन थे, मामला थे, चल रहे थे मामला, वो तो साल दो साल पुरानी बात थी, कभी की ट्रांसफर भी हो चुकी है, मर्च हो चुकी है, ब्लूवर्ड सिटी ने पोजिशन भी ले लिया और वहाँ पे काम चल रहा है। दूसरी जो कब्जों की आप अफेयर कर रहे हैं, एक एक दिन में 20-20 अफेयर हुई हैं, आपकी जेब से कारतूस निकल रहे हैं, किसने दिया जी, नई मिजाज नहीं दिए, साद नजीर नहीं दिए, और उसका क्या कर रहे जी, 109 लगा अबेटमेंट मशवरा जिसको कहते हैं, मुझे बताएं कि पाकिस्तान के लीगल मेरा भाई यहाँ पे बैठेगा, मेजर एक्ट के अंदर वो कानून ही कोई नहीं है, जब आपको एक कोई चीज जो उसमें पहले होता था 13-20 पैसेट, आजकल वो 41B और समथिंग इस तरह का है, उसमें तो 109 आए ही नहीं, ये लगा लगे वो पर्चे कब के खत्म हो गए हैं और फोड़ गए, जिस तरह के पर्चे थे वही स्टेटस था, किसी को रोकना होता इनके पास आखिरी अरबा यही होता है कि हम अफेयर देकर रोक लें, इस तरह का कोई मैटर नहीं है, कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें क्लियर है। वो साथ भाई ने बड़ी क्लियर बता दी है बात कि जो कह रहे हैं ना एनओसी, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास इतनी जमीन है कि अरबा आराम से कोई बगैर किसी टेंशन के, जितने हमारे क्लाइंट है, भाई भी एक सवाल करना चाह रहे थे क्या आपने किया, उसका जवाब बीच में ही दे रहा, कवर्ड हो जाएगा, जितने हमारे क्लाइंट है जमीन के चौथे हिस्से के ऊपर अगर हम उनको सिर्फ रजिस्ट्रियां इंतकाल करवा के पोजीशन दे के घर बनवा दें, ना वो किसी कानून में ना हमें कोई रोक सकता है, वो हमारे पास आखिरी राइट है, जितने इन्वेस्टमेंट है सारी चीजें वो तो हमने ऑलरेडी मैं बोले भाई हजारों किलो के ऊपर 10-15 किलोमीटर हमारी मेन बोले वर्ड बन चुकी है, उसके सराउंडिंग में ब्लॉक बना दी, हमें क्या इशू है? हमने कोई लाखों से आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दू, मैंने बड़े क्लियरली जवाब दिया, जो मौजूदा जमीन है उसका चौथा हिस्सा अभी तक हमने बस हम कस्टमर रजिस्टर करते हैं, सेल रजिस्टर नहीं करते, ठीक है, तो जितनी अवाम का पैसा हमारी तरफ है वो अमानत है, और वो नई मिजाज साहब ने बता दिया, अगर हमें वो अदारों से अप्रूवल्स के बाद वो अपनी कमिटमेंट सेटिस्फाई करनी है तो वो जमीन के चौथे हिस्से में हो जाएगा। उसके बाद ये अजहर साहब इलाके के लोकल है, तो आपने जिस तरह बताया क्या होगा आपका अगर वो जिस तरीके से जारी है, इसके बाद क्या करके मैं आपसे सवाल करता हूँ, मेरे भाई आपका नाम क्या है? अच्छा खुरम हाशमी, अब तक से हैं, आप मुझे बताएं कि जो अदारे हैं इस वक्त मुल्क में वो अदलिया का एहतराम करते नहीं? भाई जान बिल्कुल भी ऐसे नहीं। थैंक यू जी।